नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जैसा कि आजकल हमारी मुहूर्तों की सीरीज चल रही है, मुंडन मुहूर्त सन 2023 नए साल का, संपूर्ण वर्ष का हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया वीडियो, जरूर देखिएगा। यदि आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन कराने जा रहे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं भूमि पूजन के शुभ मुहूर्तों की। सन 2023 में संपूर्ण वर्ष के भीतर में ऐसी कौन सी तारीखें, कौन से महीने, कौन से वार आपको देखने को मिलेंगे जब आप भूमि पूजन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्तों का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, यदि आप मुहूर्त के अनुसार कोई भी कार्य करते हैं तो निसंदेह वह कार्य 100% लाभ देने वाला कार्य होता है और उसका 100% लाभ आपको प्राप्त होता है। बात हम संपूर्ण वर्ष के शुभ तारीखों की करें, लेकिन उससे पहले बात करते हैं भूमि पूजन से संबंधित कुछ विशेष बातों की, जिनकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। और यदि हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो इन सावधानियों को आपको बरतना भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, भूमि पूजन हो, गृहारंभ हो, नींव पूजन हो, शिलान्यास हो, बहुत सारे और भी क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, ये सब भूमि पूजन को ही कहा जाता है। ये नाम अलग अलग है लेकिन बात एक ही है, भूमि पूजन। तो भूमि पूजन में सबसे पहले विचार करना चाहिए भू शयन का। कहीं हम जिस दिन भूमि पूजन कर रहे हैं उस दिन भू माता यानी पृथ्वी माता सुसुप्त अवस्था में तो नहीं है, सोई हुई तो नहीं है? और यदि सोई हुई अवस्था में है तो भूमि पूजन को करने से कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। कैसे पता करें कि भूमि माता कब सुसुप्त अवस्था में होती है? तो इसके लिए हिंदी महीने जो होते हैं यानी संक्रांति से इसकी गणना की जाती है, और संक्रांति से पांचवें दिन, सातवें दिन, नौवें दिन, पंद्रहवें दिन, 21वें दिन और 24वें दिन माता पृथ्वी सुसुप्त अवस्था में होती है, जिन्हें हम सौर माह की प्रविष्टा कहते हैं। 5, 7, 9, 15, 21 और 24 इन प्रविष्टाओं में मां भूमि सोई हुई अवस्था में होती है, इसलिए इन प्रविष्टाओं में भूल करके भी भूमि पूजन न करें। दूसरी बात, भू रजस्वला का विचार भी करना चाहिए भूमि पूजन में। जब भी माता भू रजस्वला स्थिति में हो तब भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, और इसका विचार भी सौर संक्रांति से ही करना चाहिए। सौर संक्रांति से, संक्रांति के दिन यानी पहली प्रविष्टा, 5, 10, 11, 16, 18 और 19 प्रविष्टा को भू रजस्वला रहती है, इसलिए रजस्वला स्थिति में भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। शुभ महीनों की बात करें तो उत्तरायण के 6 माह विशेष शुभ होते हैं भूमि पूजन के लिए। तो उत्तरायण का विचार कैसे करें, तो मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति पर्यंत सूर्यदेव उत्तरायण स्थिति में होते हैं और उत्तरायण में भूमि पूजन किया जा सकता है। उसके उपरांत देव शयन भी होता है, दक्षिणायन काल भी प्रारंभ होता है। हालांकि आपको बता दें, दक्षिणायन काल में देव शयन का विचार भूमि पूजन में नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि संभव हो तो उत्तरायण काल में ही आपको भूमि पूजन करना चाहिए। श्रेष्ठ माह है हिंदी के, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन ये श्रेष्ठ माह होते हैं, जबकि भाद्रपद व कार्तिक का माह मध्यम माह माना गया है भूमि पूजन के लिए, और पौष के माह में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि भूमि पूजन कौन से दिशा से करना चाहिए, तो इसके लिए भी सौर माह से ही गणना की जाती है। जब भी सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हो, मिथुन राशि में संचरण कर रहे हो या कर्क राशि में संचरण कर रहे हो, तब भूमि की जो खुदाई है नैऋत्य कोण से करनी चाहिए। यदि सूर्यदेव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, धनु राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं या मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तब भूमि का पूजन ईशान कोण से करना चाहिए। वहीं सूर्यदेव जब मेष राशि में संचरण कर रहे हो, कुंभ राशि में संचरण कर रहे हो या मीन राशि में संचरण कर रहे हो, तब भूमि का पूजन वायव्य कोण से करना चाहिए।
और वहीं सूर्यदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हो, कन्या राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हो या तुला राशि में संचरण कर रहे हो, तो भूमि का पूजन आग्नेय कोण से करना चाहिए। आप भूमि पूजन करते हैं, 5 ईंटों का या पत्थरों का पूजन करते हैं और उन शिलाओं को नीचे रखते हैं तो उसमें सर्प देवता को भी रखते हैं। वास्तु पूजन करते हैं तो सर्प देवता को अवश्य रखते हैं। सर्प का मुख कौन से महीने में कौन से दिशा में रखें? इस प्रश्न का उत्तर है भाद्रपद आश्विन और कार्तिक के माह में यदि आप पूजन कर रहे हैं तो सर्प का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, यानी ईस्ट फेस, ईस्ट की तरफ रखिएगा। यदि आप फाल्गुन चैत्र और बैसाख के माह में भूमि पूजन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सर्प का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखिएगा, पश्चिम में रखें। और ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण माह में भूमि पूजन कर रहे हैं तो सर्प का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और मार्गशीर्ष व माघ के माह में आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो सर्प का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। सोमवारों की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार भूमि पूजन के लिए श्रेष्ठ वार माने गए हैं। मंगलवार का जरूर निषेध करना चाहिए। शुभ नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी, रोहिणी, मृषरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा, भाद्रपद, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविषा और रेवती, ये नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंचक में भूमि पूजन किया जा सकता है। जी हाँ, पंचक में भूमि पूजन किया जा सकता है, लेकिन घर की छत डालना निषेध है। घर की छत नहीं डालनी चाहिए, भूमि पूजन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है। जो तारीखें हम आपको बताने वाले हैं इन सभी बातों का अनुसरण उन तारीखों में किया गया है, लेकिन ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हम जनवरी महीने की। तो जनवरी की बात करें तो मात्र 1 तारीख आपको जनवरी में प्राप्त होने वाली है। 17 जनवरी को आप भूमि पूजन कर सकते हैं। फरवरी में 3 तारीखें आपको प्राप्त होंगी, 1 फरवरी, 10 फरवरी, 22 फरवरी सन 2023 आप भूमि पूजन कर सकते हैं। मार्च में मात्र 1 तारीख, 9 मार्च सन 2023 को आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और उसके उपरांत 31 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति अस्त स्थिति में होंगे, तो इस बीच भूमि पूजन नहीं किया जाएगा। मई की बात करें तो 11 मई, 12 मई, 13 मई, 20 मई, 22 मई और 25 मई सन 2023 को आप भूमि पूजन कर सकते हैं। जून में 1, 3, 12 और 26 जून सन 2023 को आप भूमि पूजन कर सकते हैं। जुलाई में 6 जुलाई, 10 जुलाई, 14 जुलाई और 24 जुलाई ये तारीखें हैं, इन तारीखों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। अगस्त में मात्र 2 तारीखें प्राप्त होंगी, 2 अगस्त और 4 अगस्त सन 2023 की आप भूमि पूजन कर सकते हैं। सितंबर में 3 तारीखें हैं, 7 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर, जिनमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। नवंबर के माह में बहुत सारी तारीखें आपको प्राप्त होंगी, 3, 4, 10, 23, 27 और 29 नवंबर सन 2023 आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और दिसंबर में मात्र 2 तारीखें होंगी, 7 दिसंबर व 8 दिसंबर सन 2023। प्रिय दर्शकों, ये संपूर्ण 2023 की तारीखें भूमि पूजन के पंचांग के द्वारा निर्णित तारीखें हैं। निश्चित ही इन तारीखों में आपको भूमि पूजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो तारीखें हैं दोषपूर्ण हैं, अशुद्ध मुहूर्त हैं, उन मुहूर्तों को ग्रहण न करिएगा। कैसी आपको यह जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, भूमि पूजन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा और अपनी समस्याओं का समाधान आप करवा सकते हैं। कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं देश विदेश में, अपने ग्रहों का पूजन करना चाहते हैं, ग्रह शांति इत्यादि करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।